हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द दायमस साइंस एकेडमी मैं हूं हूमीन श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में इससे प्रीवियस पार्ट में हमने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दो पार्ट्स हैं यानी कि दो तरीके के जो माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं फर्स्ट इज द स्कैनिंग एंड सेकेंड इज द ट्रांसमिशन ओके okay? तो स्कैनिंग में हमने देखा था कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे कि उसके अंदर हम सरफेस को तो एनलार्ज फॉर्म में और बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड वर्जन हम उसका ले लेते हैं लेकिन सरफेस को ही वो स्कैन कर पाता है यानी बहुत ज़्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर्स को वो पता नहीं लगा पाता तो उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए हम बात करते हैं या जो है नई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो जनरेट की गई है दैट इज़ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे जो है हम ये कहेंगे कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके अंदर न केवल ट्रांसमिशन इवन स्कैनिंग के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर सैंपल प्रिपरेशन एक बहुत बड़ी जो है टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके अंदर हमें प्रॉपर तरीके से सैंपल को प्रिपेयर करना पड़ता है इससे पहले यहाँ पर आप देखिए कि एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक का आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं जो कि मैंने गूगल से ही लिया है इसके अंदर जो है एक कॉलम है और यहाँ पर जो है एक मॉनिटर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैनिंग और जैसे हम ट्रांसमिशन के अंदर देखा है तो ट्रांसमिशन के अंदर कुछ ही डिफ्रेंसेज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम सैंपल को प्रिपेयर कैसे करते हैं सबसे पहले सैंपल को जो प्रिपेयर किया जाता है सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है इसमें सबसे पहले जो सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है वो है उसकी सेक्शनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को जो है बाहर निकालने के मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हों वो ट्रांसमिट होते हैं सैंपल से इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को जो है उस पूरे सैंपल से जो है ट्रांसमिट हो जाए इसीलिए जो है वहाँ पर सेक्शन बहुत थिन होना चाहिए और वो थिन होता है करीबन लेस देन हंड्रेड नैनोमीटर और ये किसके हेल्प से किया जाता है ये अल्ट्रा माइक्रोटोन जो मशीन होती है जो अपैरटस होता है उसके थ्रू जो है सेक्शनिंग की जाती है यहाँ पर बीच में मैं आपको बताऊँगी कि क्यों हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रखा है और क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एस ई एम यानि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टैम यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ पर जैसा हमने डिस्कस किया था कि स्कैनिंग के अंदर यानी कि एस -E ई एम के अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट किया जाता है सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम को कहीं भी डाइवर्ट ना करें और इलेक्ट्रॉन बीम को इंटरप्ट ना करें ठीक है तो जो मेन मेन थिंग है वो है दैट इज़ द वैक्यूम क्रिएशन यानि कि वैक्यूम को हमें क्रिएट करना पड़ता है और अब यहाँ पर सैंपल प्रिपेयर करना सैंपल की सबसे पहले सैंपल सेक्शनिंग की जाती है जिसे अल्ट्रा माइक्रोटोन की हेल्प से किया जाता है जिसमें सैंपल को हंड्रेड नैनोमीटर से भी कम यानी कि से भी पतले सेक्शन में काटा जाता है यहाँ पर उसके बाद उसे फ़िक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूटेर और उसके बाद वहाँ पर उसको रिंस किया जाता है यानी ग्लूटेर को वॉश किया जाता है ग्लूटेर में हम जो सैंपल है वो करीबन दो दिन तक रखते हैं यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एस ई एम के अंदर कि मैं सैंपल प्रिपरेशन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी फिर भी यहाँ पर मुझे बताना था इसीलिए थोड़ा बहुत पार्ट हम बता रहे हैं उसके बाद ग्लूटेलडीहाइट के बाद यहाँ पर हम जो है उसकी रिंसिंग करते हैं मतलब ग्लूटेलडीहाइड को हटाते हैं ठीक है उसके बाद उसे हैवी मेटल जैसे ऑस्मियम या गोल्ड जैसे मटेरियल से ट्रीट करते हैं यहाँ पर जो हैवी मेटल्स होते हैं वो प्रोटीन बाइंडिंग का काम करते हैं यानी जो हैवी मेटल्स होते हैं वो जो आपका सैम्पल है उसके प्रोटीन से जो है अटैच हो जाता है इसके बाद यहाँ पर फिर से वॉशिंग की जाती है एथेनॉल के साथ और यहाँ पर फिर एथेनॉल से पहले हम उसको 70% परसेंट एथेनॉल और फिर 100% परसेंट एथेनॉल से वॉश करते हैं इसके बाद यहाँ पर जो है, है जो आपका है कि प्रॉपर जो पॉलर सॉल्वेंट्स हैं लाइक प्रोपलाइन ऑक्साइड जो है उससे उसको ट्रीट किया जाता है ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं उसके लिए अलग से वीडियो में आपको बताऊँगी ठीक है अब यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मेन जो इसका मैकेनिज्म है वो हम देख लेते हैं इसमें जो मेन पार्ट है एज जैसा कि हमने सेम में देखा था एस ई एम में कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन था और इलेक्ट्रॉन गन को हमने ट्रीट किया था कैथोड से जो कि एक टंगस्टन का वायर था आप याद करिए इट वॉज द टंगस्टन वायर यानी कि यहाँ पर एक टंगस्टन का वायर था और टंगस्टन के वायर से हमने बहुत जो है हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे इसके बाद यहाँ पर जो है ये आप देख लीजिए ये डायग्राम सब से सबसे पहले मैं कहूंगी कि इसका एक स्क्रीन ले लीजिए ताकि आपको कहीं भी जो है कोई दिक्कत ना हो ठीक है अब देखिए यहाँ पर कि जो है यहाँ पर हमने एक टंगस्टन कंग, का वायर लिया है जिसे हमने कैथोड का नाम दिया है या इलेक्ट्रॉन गन का नाम दिया है और ये जो है ये आपका है कैथोड ठीक है कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अब उन इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर डायरेक्शन देने का काम करता है एनोड ठीक है यहां पर प्रॉपर डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है एनोड क्योंकि मैंने आपको सैन में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उनको पॉजिटिव जो होते हैं जो है यानी कि इलेक्ट्रोड जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है उसके बाद यहाँ पर जो एनोड है ठीक है मेन पार्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन हो गया जो कि कैथोड है उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है जो 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 होते हैं पर है जिस जो होते हैं उन्हें मैंने यहाँ पर लिखा है कंडेंसर बेसिकली मैग्नेटिक होते हैं जो कि आपके क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम को कंडेंस करते हैं कंडेंस द इलेक्ट्रॉन बीम जो कि आपके इलेक्ट्रॉन बीम जो कि आ रही है एनोड जो कि उसको लेके आ रहा है प्रॉपर डायरेक्शन में उसको कंडेंस करने का काम करते हैं यहाँ पर जो कंडेंसर बीम है स जो कंडेंसर लेंस है कंडेंसर लेंस पर एक अपर्चर होता है यहाँ पर मैंने रे डायग्राम में कंडेंसर अपर्चर भी बनाया है और कंडेंसर अपर्चर यहाँ मिड में होता है और इस लेंस से होता हुआ फिर ये यह यहाँ पर सैंपल पे गिरता है याद करिए सैम के अंदर एस ई एम के अंदर सैम्पल बिल्कुल लास्ट में रखा गया था ऑब्जेक्ट आपका स्पेसिमेन स्टेज पर रखा गया था लेकिन टैम के अंदर ये जो सैंपल है यानी कि जो सैंपल हम जो रखते हैं स्टेज पे वो बिल्कुल मिड में रखा जाता है ठीक है और यहाँ पर ही जब ये जो सैंपल है वो इस इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो सैंपल पे गिरेंगे और सैंपल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हुए बाहर निकलेंगे और इसी वजह से इसका नाम दिया जाता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप ठीक है तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि एस ई एम में हमने सैंपल बिल्कुल लास्ट में रखा है लेकिन टैम के अंदर हमने सैंपल बिल्कुल मिड में रखा है और यहाँ पर जो टैम है टैम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो रेज होती हैं वो सैंपल को ट्रांसमिट होती हुई बाहर निकलती हैं और वहाँ पर स्कैटरिंग प्रोड्यूस करते हैं और इसी वजह से ट्रांसमिट होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ठीक है अब उसमें कैसे ट्रांसमिट होता है कैसे स्कैटरिंग होती है वो अभी हम समझेंगे तो यहाँ पर इतनी बात हमारे समझ में आ गई है अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस सैंपल से ट्रांसमिट होंगे ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं वो मैं समझाती हूँ इतना पार्ट जो है मैं अभी आपको रोक के रखती हूँ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस फोर्थ पॉइंट पर लेके आना चाहती हूँ कि इमेज फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है दो तरीके से इलास्टिक स्ट्रैट स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग यहाँ पर आपको ये बात समझने लायक है कि क्या होता है इलास्टिक स्कैटरिंग और क्या होता है इन इलास्टिक स्कैटरिंग जिसकी वजह से इमेज बनती है ठीक है तो देखिए यहाँ पर कि जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज ये कोई एटम है ठीक है यहाँ पर इस एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ठीक है जब एटम के अंदर क्या रिवॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं ठीक है अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब यहाँ पर हमारी जो बीम चली आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की ठीक है यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है ठीक है जो कि जिसको हमने एस ई एम में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कहा था अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से आते हैं यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स के पास से होते हुए आते हैं जिनमें जो कि न्यूक्लियस के पास हैं यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जब मतलब कि इसको ऐसा समझिए कि जब कुछ रेज जब जो रेज हैं इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो क्या होगी इसको मैं थोड़ा सा लार्ज वे में बनाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा भले ही मैं दो ही शैल बनाती हूँ ठीक है चलिए मैं तीन बना लेती हूँ अब देखिए यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बिल्कुल इनसाइड बना रही हूँ मैं ये इलेक्ट्रॉन्स में बना रही हूँ ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स कौन से आ रहे हैं जो रेस से आ रहे हैं ठीक है अब ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये आ रहे हैं तो ये इनमें से वो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से पास से गुजरते हैं न्यूक्लियस के पास से गुजरने से उनमें क्या हो जाता है कुछ परसेंट की स्कैटरिंग होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि न्यूक्लियस से पास से जब गुजरते हैं तो वहाँ पर उनका पाथ जो होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस से गुजरते हैं तो न्यूक्लियस उनको थोड़ा सा अट्रैक्ट करना चाहता है लेकिन उनके अंदर जो एनर्जी है वो उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती हुई जो है वो पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती हुई बाहर निकल जाती है यहाँ पर इस तरीके की स्कैटरिंग जो होती है इट इज़ नोन एज द इलास्टिक स्कैटरिंग इट इज नोन एज द इलास्टिक स्कैटरिंग ठीक है अब जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से नहीं गुजर रहे हैं वो गुजर रहे हैं बाहर की शेल से ठीक है वो गुजर रहे हैं बाहर की शेल से और यहाँ पर जब वो बाहर की शेल से गुजरते हैं तो यहाँ पर की जो शेल होती है उन शेल के इलेक्ट्रॉन से वो थोड़ा सा रिपेल होते हैं क्यों क्योंकि बाहर की शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारा जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन है ही जो कि नेगेटिव चार्ज है अब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा रिपल्शन करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है रिपल्शन की वजह से जो स्कैटरिंग प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग ठीक है यहाँ पर मैं चीज को दोबारा समझा देती हूँ यहाँ पर मैं इस चीज़ को दोबारा समझा देती हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स की बीम है और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की बीम जब उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास से गुजरते हैं तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक् जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्केटर्ड नहीं हो पाते हैं थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो कम स्केटर्ड होते हैं कम बिखरते हैं तो इस तरीके की जो स्कैटरिंग होती है वो होती है इलास्टिक स्कैटरिंग लेकिन कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से उनमें स्कैटरिंग ज़्यादा होती है और उनमें स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से वो स्कैटरिंग कहलाती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग तो यहाँ पर दो तरीके की स्कैटरिंग प्रोड्यूस होती है <laughs> दो तरीके की स्कैटरिंग प्रोड्यूस होगी इलास्टिक एंड इन इलास्टिक इलास्टिक स्कैटरिंग जो होती है इसमें वो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के पास से गुजरते हैं उनमें स्कैटरिंग कम होती है क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर के शल से निकल रहे हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो है वहाँ पर क्या ज़्यादा हो जाती है स्कैटरिंग ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू वहाँ पर उसमें एंगल ज़्यादा मुड़ जाता है और वो स्कैटरिंग कहलाती है आपकी इन इलास्टिक स्कैटरिंग तो देखिए यहाँ पर अब मैं आपको दोबारा इन पॉइंट्स पर लेके आती हूँ कि यहाँ पर जो कंडेंसर के बाद यहाँ पर जो कंडेंसर लेंस है कंडेंसर लेंस के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सैम्पल पे गिरी है सैम्पल पे गिरने के बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो तरीके के इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं सामने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स के ही अब दो फॉर्मेट बन जाते हैं एक तो इलास्टिक स्कैटरिंग वाले और दूसरा इन इलास्टिक स्कैटरिंग वाले आई थिंक आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो प्राइमरी बीम है जो प्राइमरी बीम चली आ रही है वो अब सैंपल में से ट्रांसमिट होगी लेकिन वो अब दो फॉर्मेट बनाएगी वो दो फॉर्मेट कौन से बनाएगी इलास्टिक स्कैटरिंग वाले और इन इलास्टिक स्कैटरिंग वाले ठीक है तो यहाँ पर जो इलास्टिक स्कैटरिंग और इन इलास्टिक स्कैटरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और इंटरमीडिएट लेंस है देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो आपका हाँ कि ये जो आपके कंडेंसर लेंस हाँ उसके बाद जो है आपके जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं और जो इंटरमीडिएट लेंस हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और इंटरमीडिएट लेंस हैं वो जो होते हैं आप यहाँ पर उन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर फोकस्ड करते हैं उसके बाद यहां पर जो प्रोजेक्टिंग लेंस है वो आपकी इमेज को मैग्नीफाइड करता है ठीक है इमेज अगेन मैग्नीफाइड बाय द प्रोजेक्टर लेंस तो यहां पर जो स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसके थ्रू जो इमेज बनने वाली है उस इमेज को मैग्नीफाइड किया जाता है प्रोजेक्टर लेंस के थ्रू और ये प्रोजेक्टर लेंस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं वो गिरते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे ये जो स्क्रीन होती है ये होती है आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन ठीक है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे कैसे आपके स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स और जो है आपका इन जो आपके इलास्टिक स्कैटरिंग वाले इलेक्ट्रॉन और इन इलास्टिक स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन वाले कैसे इमेज फॉर्म करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई फटाफट से स्क्रीन लीजिए उसके बाद में आपको ये चीज़ और क्लियर कर देती हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका ये है कि मैं इसको रब कर देती हूँ ठीक है अब हम इसमें कैसे इमेज फॉर्म होती है वो बात कर लेते हैं यहाँ पर जो स्कैटरिंग है हमने बता दिया कि दो तरीके की स्कैटरिंग है इलास्टिक स्कैटरिंग और आपका इन इलास्टिक यहाँ पर जो स्कैटरिंग होनी है वो किसमें से होनी है सैंपल में से होनी है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स उसमें से उस मूव होंगे ठीक है अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि दो तरीके के स्कैटरिंग शो करेंगे इलास्टिक और इन इलास्टिक तो ये कैसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जब यहाँ पर सैंपल में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन्स जब गिरते हैं तो कैसी इमेज फॉर्म होती है एक्चुअली ये जो इमेज बनती है ये लाइट और डार्क जो है उस तरीके से बनती है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनती है तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इमेज में कुछ पार्ट डार्क आता है कुछ पार्ट लाइट आता है तो वो कैसे आता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जिनमें जो यहाँ पर सैंपल पे से जो इलेक्ट्रॉन हैं जब वो ट्रांसमिट हुए और सपोज दैट कि वहाँ पर स्कैटरिंग ज़्यादा हो गई है जिस सैंपल के जिस पार्ट में से स्कैटरिंग ज्यादा है यानी कि इसको मैं लिखती जाती हूँ इफ स्कैटरिंग इफ स्कैटरिंग मोर तो अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है इफ अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने एरिया को छोड़ते जाएंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस फॉल होंगे इलेक्ट्रॉन लेस फॉल होंगे तो इमेज विल बी डार्क ये ध्यान रखिएगा उतना पार्ट जो होगा वो डार्क बनेगा ठीक है अगर स्कैटरिंग ज़्यादा है और स्कैटरिंग ज़्यादा कब होगी जब वो कौन सी स्कैटरिंग करेगा इन इलास्टिक स्कैटरिंग यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिपेल होगा तो यहाँ पर अगर स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे क्यों क्योंकि वो डाइवर्ट हो गए हैं और यहाँ पर जो है इमेज बनेगी डार्क अब यहाँ पर सपोज दैट अगर स्कैटरिंग लेस है अगर स्कैटरिंग लेस है इफ स्कैटरिंग जो है लेस है अगर स्कैटरिंग लेस है तो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटरिंग लेस क्यों हुई है क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पर ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स मोर ठीक है क्यों इला, जो स्कैटरिंग है वो लेस क्यों है क्योंकि वो सिर्फ न्यूक्लियस से ही डाइवर्ट होकर आ गए हैं

तरीके से जो है प्रोजेक्टेड करती है ऑन द प्रोजेक्टिंग लेंस और प्रोजेक्टिंग लेंस जो होता है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बीम को जो है जो जो हमारी इमेज है उसको अलार्ज फॉर्म में प्रेजेंट करता है और उसके बाद यहां पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन में हमें दिखाई देता है और ये फ्लोरसेंट स्क्रीन जो है हमें मॉनिटर पर पूरा दिखाता है जो कि हमने प्रीवियस डायग्राम में अभी जो हमारा डायग्राम देखा था उसमें देखा था कि एक मॉनिटर थी उस पर हमारी इमेज फॉर्म होती है यहाँ पर जो है कंडेंसर अपर जो हमारे पास जो मेन पॉइंट जो और हमें समझना है जो हमारा <laughs> याद करिए सैम के अंदर हमने कहा था कि वो जो है हर एक एंगल पे जो होता है कंडेंसल लेंस हर एक एंगल पे बीम गिराता रहता है सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होता है तो जो इंटेंसिटी है और एंगुलर अपर्चर है कंडेंसल लेंस उसको जो है कंट्रोल करता रहता है यानी कंड कंडेंसल लेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम को हर एक पार्ट पर गिराता रहता है और हर एक पार्ट पर गिराने की वजह से हमें एक प्रॉपर डायग्राम रिसीव होता है यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि टैम के अंदर क्या क्या एप्लीकेशन हैं क्या एडवांटेज एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की जैसा कि हमें पता है कि जो आपका टैम है वो चाहे टैम है चाहे सैम है वो बहुत अच्छे से हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करता है सपोज दैट हमें कोई कैंसर स्टडी करना है या कोई ट्यूमर फॉर्मेशन स्टडी करना है तो वो और या मॉलिकुलर लेवल पे जो स्टडी है वो बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं इसके अलावा कोई मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ हैं टोपोग्राफिकल या किसी की चीज़ का कम्पोजिशन है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो सब स्टडी हम बहुत ईजीली कर सकते हैं यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं एडवांटेजेस ये है कि हमें से थ्री इमेज मिलती है लेकिन यही इसका एक डिसएडवांटेज भी बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है हमें एक और एडवांटेज ये है कि बहुत कम सैंपल हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होता है दूसरा इसका जो मैग्नीफ़िकेशन और रिजोल्यूशन पावर है वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई है डिसएडवांटेज ये है कि जो बेसिकली जो हमारा जो डायग्राम जो हमारा इमेज बनता है वो टू होता है लेकिन हमें कंटिन्यूसली सैंपल को रोटेट करना पड़ता है तब जाके हमें थ्री डी इमेज मिलती है तो यहाँ पर सैंपल को हर एंगल पे हर पॉइंट पे रोटेट करना पड़ता है तब जाके हमें थ्री डी इमेज मिलती है और इसके लिए हमें करीबन हंड्रेड जो है हंड्रेड्स ऑफ जो है इमेजेस क्लिक करनी पड़ती हैं तब जाके हमें एक प्रॉपर जो है थ्री इमेज बनती है और इस वजह से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के सॉरी इलेक्ट्रॉन के बीम के इंटरेक्शन की वजह से मे भी हो सकता है कि जो सैंपल है वो डिग्रेड हो जाए इसके अलावा यहाँ पर जो है हाई वैक्यूम जो है वो हमने कहा है कि वो तो क्रिएट करना ही है दूसरा ये है कि जो सैंपल प्रिपरेशन है वो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड होती है चाहे वो सैम हो चाहे टैम हो वो इन दोनों का ही ड्रॉबैक है लेकिन यहाँ पर हमने ये कहा है कि जो इमेज हमारी बनती है वो डार्क और लाइट फॉर्म में बनती है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में बनती है तो कलर्ड इमेज हमें इससे नहीं मिलती है तो यहाँ पर हमारा टाइम प्रिपरेशन खत्म होता है आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू